शहजाद, सवाल आपसे ये है, शुरुआत क्योंकि आपने की, आप आई डॉट एन डॉट करके जो बात कर रहे थे, साथ में डाउट भी करते चल रहे थे, ये जो डाउट आया है आपके मन में, ये अभी 2023 में आया इंडिया को लेकर के, या फिर 2004 में से ये डाउट है जब आपने इंडिया शाइनिंग करके कैंपेन शुरू किया था? देखिए राहुल जी, ये कितनी विडंबना की बात है कि आज से 3 दशक पहले एक व्यक्ति ने अपने आप की तुलना इंडिया से की थी, इंदिरा इज इंडिया, उस समय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने कहा था और आज तक उसको नकारा नहीं गया है, और आज ये लोग यूपीए इज इंडिया बनाकर अपने आप को ही इंडिया घोषित कर रहे हैं, तो अहंकार की चरम सीमा पर कौन बैठा है ये आज आपको सामने दिखाई दे रहा है कि यूपीए का अंतिम संस्कार करके उन्हीं के चरित्र को लेकर अपने आप को आज इंडिया घोषित कर दिया है। मान्यवर, इन्होंने कहा कि हमने विपक्ष की तुलना आतंकी संगठनों से की, ये कहा ना, तो बता दीजिए हिंदुत्व को आइसिस कहा गया सलमान खुर्शीद के द्वारा, और राहुल गांधी ने आरएसएस को, जिस आरएसएस में प्रणब मुखर्जी गए थे वहां पर उनके समारोह में, उसको मुस्लिम ब्रदरहुड कहा, क्या सही कहा गलत कहा? और चौथी बात, मैं किसी को भी एंटी इंडिया नहीं कहता, पर मैं आज इनको कहता हूं कि यदि ये इंडिया अपने दिल में रखते, केवल लेबल में नहीं, IUML का यूथ विंग जो इनके सो कॉल्ड इंडिया में है, वो कह रहा था कि हिंदुओं को मंदिरों के सामने लटकाया जाएगा, जलाया जाएगा, आज भी वो इस इंक्लूसिव आइडिया ऑफ इंडिया में है या उसको निकालने वाले हैं, इस पर स्टैंड ले ये दोनों लोग मिलकर, एक बार स्टैंड ले ले, अखिलेश जी का जवाब ले लेता हूं, इंडिया कौन है और कौन इंडिया का नाम लगा कर केवल आया है। अखिलेश जी जवाब दे दीजिए। राहुल जी, हमारे भाजपाई भाई भ्रष्टाचार की बात करते, आप सब लोगों को याद होगा अभी 10-15 दिन पहले मोदी जी मध्य प्रदेश में भाषण कर रहे थे और महाराष्ट्र के 3 भ्रष्टाचारियों के नाम गिना रहे थे कि 70,000 करोड़ रुपए का इन लोगों ने घोटाला किया है, और रात को, दिन में भाषण कर रहे थे, रात को वही तीनों लोग बीजेपी ज्वाइन कर लिए और उसमें डिप्टी सीएम बन गए। गजब की इनके पास एक वॉशिंग मशीन है जो मिनट भर में सब कुछ धो धा के बराबर कर देती है। तो अब इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी को क्या कहा जाए, क्या कहा जाए, जो खुद कह रहा हो जिसको भ्रष्टाचारी, और उसके पहले 25 लोगों की और सूची है जिनको ये भ्रष्टाचारी बताते थे, तमाम तरह के आरोप लगाते थे, रोज सुबह शाम ईडी जाती आती थी, इनके मशीन में आ गए, धुल गए, अब ईडी वाले उनकी रक्षा करते हैं, सारे केस खत्म हो जाते हैं। इन्हीं के पार्लियामेंट में जवाब है कि 96-97% मुकदमे जो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स ने किया है वो सिर्फ विपक्ष के पार्टी के लोगों के ऊपर किया और किसी में भी कोई प्रूफ नहीं हुआ है कि 4 सीट भी एक आध को छोड़ के किसी में नहीं कर पाए हैं। क्यों ये सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा बार बार खटखटाने की, इनके पास जो जांच एजेंसियों के जो अधिकारी हैं वो पिछले 10 साल से उनका टेन्योर क्यों बढ़ाया जा रहा है? देखिए, इन लोगों का जिंदगी अब इसी में गुजरनी है कि ये इनकी बताते चले, कोई कागज दिखाते रहे, अब इसी सब चीज और कोई डायरी दिखाता चले, तो शहजाद डायरी दिखा रहे हैं।